भारत ने अपनी सबसे खतरनाक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की लैंड अटैक वर्जन का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का परीक्षण अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के एक अज्ञात द्वीप से किया गया, जिसने दूसरे द्वीप वीरान द्वीप पर लगाए गए टारगेट को ध्वस्त कर दिया। आज हुए परीक्षण का मकसद था कि मिसाइल की रेंज को बढ़ाना। जमीन से जमीन पर मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर अब 450 किलोमीटर से ज़्यादा कर दिया गया है। इस मिसाइल की लंबाई 28 फीट लंबी है। यह 3000 केजी वजनी है। इसमें 200 केजी के पारंपरिक और परमाणु हथियार लगा सकते हैं। मिसाइल की रेंज यह 300 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक की दूरी के बीच है, जिसे धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। इसकी गति इसे सबसे ज़्यादा घातक बनाती है। यह 4300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है, यानी 1.20 किलोमीटर प्रति सेकंड इसके छूटने के बाद दुश्मन को बचने का या हमला करने का मौका नहीं मिलता है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस एक्सटेंडर एयर वर्जन का सुकोई 30 MKI से सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यह मिसाइल एंटीशिप्ट वेरियंट थी, यानी सुकोई से इस मिसाइल को दाग कर दुश्मन के जंगी जहाजों को डुबोया जा सकता है। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने टारगेट शिप को ध्वस्त कर दिया। इस मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर है। इस टेस्टिंग के साथ ही भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट से जमीन या समुद्र से लंबी दूरी के टारगेट पर निशाना लगाने की मारक क्षमता हासिल कर ली है। प्रेसिशन स्ट्राइक करने की क्षमता बढ़ गई है, यानी फाइटर जेट से समुद्र में 400 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के जंगी जहाज को नष्ट किया जा सकता है। कुछ महीने पहले भी इसी फाइटर जेट से इंडियन नेवी के डीकमीशन जहाज पर ब्रह्मोस मिसाइल से लाइव फायर किया गया था। भारत सरकार अपनी टेक्निकल मिसाइलों की रेंज बढ़ा रही है। भारतीय वायुसेना की 40 सुकोई 30 MKI फाइटर पर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें तैनात कर रही हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पूरी तरह से देश में ही विकसित किया गया है।